हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताएंगे कि आप जो धड़न है उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हो। तो आज के वीडियो में है जो बहुत ही आसान तरीके से हम बताने वाले हैं आप है जो धड़न को किस प्रकार ठीक करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना, और कुछ पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, बताते हैं। कल के वीडियो में हमने बताया था कि आप है जो धड़न को किस प्रकार चेक कर सकते हो, उसमें दो या तीन तरीके हमने बताए थे आप लोगों को। और आज हम बताने वाले हैं कि जब आपको है जो धड़न हो जाए तो उस समय आपको है जो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको इस तरीके से जो चेक करना होता है कि आपकी जो धड़न है वह किस तरफ हुई है, आपकी जो नाभि है वह किस तरफ खिसकी हुई है। कल के वीडियो में भी हमने बताया था कि किस तरीके से चेक करो, तो हम सबसे पहले इस तरीके से चेक करते हैं। ये हमने जो सरसों का तेल लिया है, जब हमें पता चल जाता है कि नाभि किस तरफ खिसकी हुई है, उस हिसाब से ही हम जो नाभि को ठीक करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग हैं जो पता नहीं लगा पाते हैं कि उनकी जो नाभि है वह किस तरफ खिसकी हुई है। तो फ्रेंड्स, जब आप लोगों के साथ भी ऐसा हो कि आपको पता नहीं लगे कि आपकी जो नाभि है किस तरफ खिसकी हुई है, तो उसका इलाज है जो आप किस तरीके से करें हैं ये, तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। तो आपको हम बताते हैं कि आज की धड़न ठीक करने के लिए हम ये जो लोटा है वह ले रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये लोटी हमने ली है, इसमें हमने जो पानी डाला हुआ है, हमने इसमें पानी भर लिया है। आप दो उंगली है जो पानी को है जो खाली रख लीजिए, ताकि जब आप है पेट पर इसको रखो या काम में लो तो उस समय क्या है कि आपका जो पानी है वह इस बर्तन से बाहर ना निकले। तो आपको इतना ही पानी लेना है। और फिर बताते हैं कि क्या करना है। तो इतना पानी लेने के बाद में आपको क्या करना है कि नाभि के ऊपर तेल लगाना है। जब आप तेल लगा लो तो उसके बाद नाभि के एकदम सेंटर में आपको है जो इसको रखना है। ध्यान रखिए आपने जो पानी का बर्तन लिया है वह आपका है जो गिरे नहीं। तो आसपास आपको इस तरीके से हाथ रखने हैं, ताकि आप है जो इन हाथों का जो उपयोग करके है जो इस गिरने से बचा सको। लेकिन जब भी आप इस लोटी को है जो यहाँ पे नाभि के ऊपर रखो, तो इसको आपको पकड़ना नहीं है, बस दूर से इशारे से आपको इस पे ध्यान रखना है कि कहीं आपका जो लोटा है पानी का वह गिर ना जाए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि 5 या 10 मिनट के लिए आपको इस तरीके से रखना है। यदि आप इस तरीके से है जो नाभि के ऊपर इसको रखोगे तो क्या होगा कि यदि आपकी नाभि कहीं खिसकी हुई है तो आपकी जो नाभि है वह एकदम सेंटर में आ जाएगी। नाभि ठीक करने का ये तरीका है जो बहुत ही कारगर तरीका है फ्रेंड्स। तो इस तरीके को है जो एक बार ज़रूर अपना के देखिए। जिनकी भी है जो नाभि अभी तक ठीक नहीं हुई है या किसी को करनी नहीं आती है, ये तरीका ऐसा तरीका है कि आप अकेले भी है जो इसको है जो काम में ले सकते हो, अपनी नाभि को है जो ठीक कर सकते हो। इसमें आपको क्या है कि मसाज करने की ज़रूरत नहीं होती है। और एक बात और, यदि आपको पता नहीं चल पाता कि आपकी नाभि है जो किस तरफ खिसकी हुई है, फिर क्या आपकी जो नाभि की प्रॉब्लम है इससे ठीक हो जाती है फ्रेंड्स। लेकिन जब भी आप धड़न या नाभि को ठीक कर रहे होते हैं तो आपको ये बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप है सुबह खाली पेट है जो इस तरीके से प्रयोग करके देखें। इस तरीके से है जो बहुत लोगों की जो नाभि की प्रॉब्लम है ठीक हुई है। तो हमें विश्वास है कि आपकी भी जो नाभि की प्रॉब्लम है वह बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। पहले आपको क्या करना है कि 5 मिनट के लिए इस तरीके से है जो इसको रखना है पेट पर। जब 5 मिनट हो जाए तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि नाभि को है जो फिर से चेक करना होता है बीच में। तो आप फिर से है जो चेक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी हमें है जो इस लोटे को रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं, तो अभी हम इसको उठाते हैं और फिर से चेक करते हैं कि इनकी जो नाभि की प्रॉब्लम है वह सेंटर में हुई है या नहीं हुई है। तो एक बार आपको इस तरीके से चेक करना होता है कि जो नाभि किसकी हुई थी वह सेंटर में आई है या नहीं आई है। तो इस तरीके से आप फिर से चेक कर सकते हो। यदि आपको लगे कि इनकी जो नाभि है थोड़ी सी बाहर की तरफ है, खिसकी हुई है, तो फिर से आपको इस तरीके से लोटे को रखना है और 5 या 7 मिनट के लिए फिर से है जो रख के रखना है। यदि इस तरीके से रख के है जो आप ट्राई करोगे तो आपकी जो नाभि की प्रॉब्लम है वह 100% ठीक होगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है जो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखना। थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।